एक बालक सलारपुर गांव में खेत पर था और अचानक डीपी के तार में कोई हादसा हुआ है। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है। और पूरी तरह से बालक झुलस गया है, बालक पूरी तरह से झुलस गया है। सलारपुर का बालक है, क्या नाम बालक का? बालक का नाम अंकित है। अंकित, और बालक क्या कर रहा था खेत पर? बालक क्या कर रहा था खेत पर? खेत में नहीं था, घर पे ही थे। फिर? हम सभी घर पे थे। फिर क्या हुआ? डीपी में अचानक लाइट लग गई, ऊपर से चारों तरफ खेत की तारबंदी हो रही थी। ऊपर डीपी में से तार नीचे गिरा तो वो खेत की तारबंदी हो रही थी, उसमें टच हो गया था, तो आग लग गई चारों तरफ खेत के। फिर हम सभी भाग गए खेत में, आग कैसे लग गई? तो हमने पानी की बाल्टी फेंकी, हमने सोचा कोई ऐसे लग गई होगी, तो पानी की बाल्टी फेंकी तो वो धूनी हो गई। ये बच्चा निकल गया और तार पे निकल रहा था तो वहीं पकड़ लिया लाइट में। बालक करंट के तार में फंस गया उसी तरह से और बुरी तरह से अच्छी तरह झुलस गया। फिर और बालक सलारपुर गांव की घटना है। सलारपुर गांव की घटना है और बालक बुरी तरह से झुलस गया है और डीपी से ये हादसा हुआ। डीपी में से अचानक तार टूट गया। डीपी का 11,000 लाइन का तार टूटने से हादसा हुआ है। और अंकित कुमार औरत का नाम है और 8 साल का करीब होगा। 4-5 साल का बालक है। बालक उसी तरह से दूसरा सलारपुर गांव की घटना दोस्तों ये। और डीबी में के तार 11,000 के बी का लाइन 11,000 के बी का लाइन तार टूटने से ये हादसा हुआ है सलारपुर गांव में। और बुरी तरह से बालक झुलसा है। गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में इस बालक का इलाज चल रहा है। और सलारपुर गांव में 11,000 के बी की लाइन का तार टूट गया था एक डीपी से और उससे बालक बुरी तरह से चपेट में आ गया। और गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में बालक को लाया गया और उसका अभी इलाज चल रहा है सामान्य चिकित्सालय में।